आदे सभाओं का क्या है, आते हैं आते होंगे। बादे सभा यानी सुबह की ठंडी हवा, प्योर नेचर, जीवंत प्रकृति। बादे सभाओं का क्या है, आते हैं आते होंगे। मुझे फुर्सत नहीं, मुझे फुर्सत कहाँ जो इन हवा की खुशबुएं ओढ़ूं। मुझे ये है पता मैं कौन हूं, मैं किस लिए बेकल। आई नो हु आई एम। मुझे ये है पता मैं कौन हूं, मैं किस लिए बेकल। बेकल यानी परेशान, बेचैन। ये मेरे नज्म, नज्म यानी कविता। ये मेरे नज्म खुद ही गीतों में ढलते रहे होंगे। मुझे फुर्सत नहीं, मुझे फुर्सत कहाँ जो इन पे साज़े धुन बना गाऊं। मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है मैं ट्यून बनाऊं और उसे गाऊं। मैं हूं एक हाफता पंछी। पंछी को कभी हाफते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, ये बात पंछियों के लिए है ही नहीं। मैं हूं एक हाफता पंछी जिसे सब कुछ जुटाना है, खुले आकाश की इन ऊंचाइयों से, मन में दबी गहराइयों से। होना है क्या हासिल खुले आकाश की इन ऊंचाइयों से, यानी कि लाइफ में कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, उनसे क्या होना है। और मन में दबी गहराइयों से यानी कि खुद को देखने से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से क्या मिलने वाला है। मैं हूं एक हाफता पंछी जिसे सब कुछ जुटाना है, खुले आकाश की इन ऊंचाइयों से, मन में दबी गहराइयों से। होना है क्या हासिल मुझे तो चमचमाता सोने का पिंजरा बनाना है खुद के लिए। चमचमाता सोने का पिंजरा, ये डिकोड कर रहा है आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। सोने का पिंजरा, पिंजरा है लेकिन सोने का है। मुझे तो चमचमाता सोने का पिंजरा बनाना है खुद के लिए। मैं हूं इस वास्ते बेकल, मैं नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, अब ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए बेकल नहीं हूं। मैं अपनी जो एफर्टलेस चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए बेकल नहीं हूं। मुझे तो चमचमाता सोने का पिंजरा बनाना है खुद के लिए। मैं हूं इस वास्ते बेकल, ये मेरी इंतजारी है। इंतजारी यानी वेटिंग पीरियड। ये मेरी इंतजारी है या सबकी इंतजारी है, या सबकी इंतजारी है। हाँ, ये हम सबकी इंतजारी है। सच है, सच है, अपनी सारी इच्छाओं को मैं प्राण पढ़ सा चाहता हूं। प्राण पढ़ यानी जीवन की बाजी लगाने तक। सच है, अपनी सारी इच्छाओं को मैं प्राण पढ़ सा चाहता हूं। ज्यादा नहीं इनसे फकत, वही तो चाहता हूं जो सभी चाहते हैं। आनंद चाहता हूं, आनंद यानी मन का सुख। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं ये वही है आनंद। आनंद एक ऐसा बड़ा सा सर्कल है जिसके पीछे, जिसके अंदर वो सारे डॉट्स आते हैं जिनके बारे में आप लोग अभी तक बात करें हैं, वो सब उसी एक बड़े से सर्कल में है। हम अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे, नाम के पीछे, इश्क के पीछे या ज्ञान के पीछे, जिसके भी पीछे भाग रहे हैं, उसका, उसके पीछे कोर में क्या है, उसके सेंटर में क्या है, उसके पीछे यही आनंद पाने की इच्छा है। ये सारी कुछ उसी एक पॉइंट पर, पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी उसी एक पॉइंट पर सिमट जाती है। आनंद यानी मन का सुख पाने की इच्छा। ज्यादा नहीं फकत, वही तो चाहता हूं जो सभी चाहते हैं। आनंद चाहता हूं, दुनिया से करता सौदागरी मैं इनकी। सौदागरी करनी पड़ती है दुनिया से, करता सौदागरी यानी लेन देन, ट्रांजेक्शन मैं इनकी। तिनका तिनका जुटाता हूं, जर्रा जर्रा फिसलता है। तिनका तिनका जुटाता हूँ, जर्रा जर्रा फिसलता है। जुटाता हूँ फिसलता है, जुटाता हूँ फिसलता है। ये दिल बड़ा कमजर्फ हो चला है। कमजर्फ यानी बेवकूफ, ना समझ, पागल।
ये दिल बड़ा कमजर्फ हो चला है, हाँ ये इसी तरह बहलता है। अब तो हर समत यानी हर ओर से, हर दिशा से, अब तो हर समत बस इन्हीं की निगहबानी में डूबा, निगहबानी यानी देख रेख, अब तो हर समत बस इन्हीं की निगहबानी में डूबा, खुद ही को देखना भी भूल जाता हूँ। मैं खुद को भी नहीं देख पाता क्योंकि मुझे सोने का पिंजरा बनाना है। अब तो हर समत बस इन्हीं की निगहबानी में डूबा, खुद ही को देखना भी भूल जाता हूँ। खुदा के सामने अरदास पर अरदास होता है, खुदा के सामने अरदास पर अरदास होता है, लेकिन खुदा है क्या मैं ये तक भूल जाता हूँ। आजकल बहुत प्रचलन में है ना, मतलब जय श्री राम लोग बोलते हैं, लेकिन श्री राम का मतलब क्या है? रामत्व का एक गुण तक नहीं है और श्री राम बोलते हैं। खुदा के सामने अरदास पर अरदास होता है, लेकिन खुदा है क्या मैं ये तक भूल जाता हूँ। जमाने भर की ले दे में मशगूल किरदार ये मेरा, जमाने भर की ले दे में मशगूल यानी खोया हुआ किरदार ये मेरा, हर एक सौदागरों को भूलता हूँ मुस्कुराता। हमें भूलना ही पड़ेगा नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हर एक सौदागरों को भूलता हूँ मुस्कुराता हूँ, अब ये इस कविता की आखिरी लाइन है, इसके बाद कोई कविता नहीं, बस यही है, ठीक है। आखिरी लाइन है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरी कविता का निचोड़ है ये, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ ये वही है। जमाने भर की ले दे में मशगूल किरदार ये मेरा, हर एक सौदागरों को भूलता हूँ मुस्कुराता हूँ, मगर न जाने क्यों एक तेरी ही याद मुझे, रोज तो नहीं पर कभी कभी बेवजह निस्वार्थ जीवित प्रेम में डूबी हुई तेरी याद।